सिंध की हुकूमत है उसने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। बलूचिस्तान भी अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची है। केपी और पंजाब जो है उनकी जानिब से फैसला हो गया है कि मंडे से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप लोग खोल रही हैं। क्या आपको लगता है कि तमाम सूबे वजीर आजम की दरख्वास्त पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मंडे को पीर तक वो खोलते हुए नजर आएंगे या हर सूबा अपना फैसला करेगा? बड़ा आपका अहम क्वेश्चन है, लेकिन ये किसी ने दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ ये कर रहा था कि हमने अभी तक भी जितने फैसले लिए हैं तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें एक पेज पे थे, एक पेज पे है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाकर जब मीटिंग खत्म हो जाती है फिर वो लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयान देने शुरू कर देते हैं। अब आपने ट्रैफिक खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की है। देखिए मैं आपको याद दानी करा दूं, लास्ट मीटिंग हुई थी मुश्तरका मफादात काउंसिल की, उसमें तमाम इकाइयां मौजूद थी, तमाम सूबे मौजूद थे, कश्मीर, जीबी और एनडीएमए, जब मार्केटें खोलने का फैसला हुआ था। अच्छा, उसके वहां पर भी ट्रांसपोर्ट डिस्कशन हुआ था कि हमें अपनी फजाई हदूद खोलनी चाहिए, हमारी एयरलाइनें काम शुरू कर दें, हमारे बसों को खोल दें, लेकिन उस वक्त ये फैसला नहीं हो सका था। आज प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है सूबों को, उन हालात को देख के जो माली मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, और उसकी वजह से कहा है जी कि सूबे खुदारा इसके ऊपर गौर करें। अब सूबों ने फैसला लेना है अपनी अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक। अब देखें कि इसके ऊपर जो मैंने सुना अभी तक केपी ने फैसला कर लिया है और पंजाब ने कि हम ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं, लेकिन सिंध का भी फैसला आया कि अब हम भी नहीं खोल रहे, और इवन बलूचिस्तान का भी आया है। अब देखना यह है कि मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं हूं, आप हूं, कोई हो, ट्रांसपोर्ट हो आपकी, आपके बाजार हो, आपकी आवाम हो, हम सबको अब ये एक बात ज़हनशी कर लेनी चाहिए कि हमने कोरोना के साथ रहना है, हमने एसओपी इख्तियार करनी है।